आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं मूंग की दाल का हलवा कैसे बनाते हैं। तो मूंग की दाल के हलवे के लिए हमें चाहिए ड्राई फ्रूट, दो कटोरी मावा, एक बाउल घी, बेसन एक कटोरी, मिल्क केक, दो कटोरी शक्कर, दो कटोरी मूंग की दाल, इलायची पाउडर। अब हम ये शक्कर को चाशनी बनाते हैं। इस शक्कर के अंदर दो कटोरी शक्कर है तो हम चार कटोरी पानी डालेंगे। अब हम इसे भी चाशनी बनाने के लिए रख में हम मूंग की दाल पीस लेंगे। चाशनी बनती है तब हम मूंग की दाल को कचरा घनेदार पीस लेंगे। अब हमने मूंग की दाल पीस लिया। दाल ऐसी दरदरी होनी चाहिए। अब हम बाउल में घी डालेंगे। अब हम सबसे पहले कढ़ाई में घी लेंगे। गैस ऑन करें। अब हम पीसी में मूंग की दाल डालेंगे। एक मिनट के बाद हम इसमें बेसन डालेंगे। बेसन हम इसलिए डाल रहे हैं कि मूंग की दाल का हलवा सॉफ्ट बने। अब ये हमारा बेसन और मूंग की दाल दोनों ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें चाशनी डालेंगे। चाशनी हमें जितनी जितनी जरूरत है उतनी ही डालनी है, ज्यादा की वो तो छोड़ देने के। अब इसमें खोया डालेंगे। मिल्क केक हम इसलिए डाल रहे हैं कि मूंग की दाल का हलवा जो है वो ज्यादा टेस्टी हो जाए। अब इसको हम 5 से 7 मिनट तक खिलाते रहेंगे ताकि मावा और मूंग की दाल का हलवा, मिल्क केक मूंग की दाल का हलवा पूरी तरह से मावा मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे।
मूंग की दाल। अब ये मूंग की दाल का हलवा तैयार हो चुका है। अब हम इसे बाउल में निकालते हैं। सजावट कर दी ड्राई फ्रूट।